दोस्तों BSNL का एक ऐसा प्लान है जिसने कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सबकी छुट्टी कर दी है पूरी गेम से। BSNL 4G जब लेके आएगा दोस्तों, ऐसा प्लान लाएगा कि आप सभी कोई और सिम में रह ही नहीं पाओगे, तुरंत BSNL की ओर चले जाओगे। इतना सस्ता प्लान है और उसकी स्पीड दोस्तों क्या आ रही है, जियो वगैरह की 2-4 गुना। इस प्लान के बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बताया है और बहुत सारे लोग नहीं विश्वास कर रहे थे कि इतना अच्छा प्लान कैसे हो सकता है कोई। तो आइए इस वीडियो में पूरे प्रूफ के साथ आप सभी को इस प्लान की डिटेल देता हूं। और ये 4G है, ध्यान रखिएगा, BSNL 4G। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुफ्त उठाते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार करता हूं आप सभी का स्वागत इस नए वीडियो में। BSNL ने प्रॉमिस किया है कि 2020 के शुरुआत में ही, फर्स्ट 6 मंथ्स में ही वो लॉन्च कर देगा 4G पूरे इंडिया में। हालांकि 3G दोस्तों उसका 4G के बराबर ही चलता है कई सारे रीजन में, जैसे मेरे यहाँ 2 Mbps तक की स्पीड आ जाती है 3G की। पर दोस्तों 4G लॉन्च होगा, उसकी डाउनलोड स्पीड 17 Mbps तक जाएगी। जियो वगैरह शायद सोच भी ना सके ऐसा, 17 Mbps उसकी डाउनलोड स्पीड दिखाई जा रही है जहां पर 4G अभी चल रहा है। अच्छा, कहां चल रहा है ये भी जान लीजिए। ये मैं आ चुका हूं टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, इससे ज्यादा ट्रस्टेड कोई न्यूज वेबसाइट नहीं हो सकती है। यहां पर बताया जा रहा है दोस्तों कि BSNL जो 4G है उसके 2 नए STV प्लान लॉन्च हुए हैं। एक की कीमत है दोस्तों 96 रुपीज और एक की कीमत है दोस्तों 236 रुपीज। यहाँ देखिए दोस्तों ₹96 एंड 236। और दोस्तों BSNL अपने सब्सक्राइबर्स को 10 GB डेटा डेली के लिए दे रहा है, ऐसा ये प्लान दावा करता है। और दोस्तों ये रीजन में है महाराष्ट्र के रीजन, जैसे कि अकोला, बांद्रा, बीड, जालना, ओसामानबाद और दोस्तों नियर बाय रीजन में है TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा बता रहा है। अब दोस्तों टेलीकॉम टॉक एक और न्यूज़ के बारे में बात कर रहा है जो कि आई थी करीब करीब 10 दिसंबर के पास, कि कोलकाता के कई रीजन में भी ये चालू हो चुका है, ऐसा इनके रीडर्स बता रहे हैं, मतलब आम जनता ऐसा बता रही है। और दोस्तों कोलकाता का वो रीजन है बारा बाजार, एस्प्लैंडे एंड सेकेंड ब्रिज हुगली रिवर के पास, लाल बाजार के पास भी दोस्तों, जहां पर इसका टेलीफोन भवन है BSNL का, वहां भी ऐसा 4G स्पीड और ऐसा 4G प्लान देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इन रीजन में रहते हैं तो जरूर एक बार BSNL का 4G सिम लें और उस पे दोस्तों रिचार्ज करवा के इन प्लान को चेक करें कि स्पीड क्या आ रही है और हम सबको बताएं। इन शॉर्ट बात करें तो अगर आप 96 रुपीज देते हैं तो 10 GB डेटा डेली के लिए मिलेगा आप सभी को 28 डेज के लिए, मतलब कि 280 GB डेटा। और दोस्तों अगर आप 236 रुपीज देते हैं तो 84 डेज के लिए, करीब 3 महीने के लिए आप सभी को 10 GB डेटा रोज के लिए मिलेगा। ये केवल डेटा प्लान है, इसमें कोई SMS, कोई कॉलिंग नहीं है। और दोस्तों इसको कंपेयर करें सबसे सस्ते जियो से तो जियो दोस्तों 200 रुपये लेता है और 28 दिन तक केवल 1.5 GB देता है। और दोस्तों यहां पर हमें मिल रहा है 10 GB केवल 96 रुपीज में BSNL में। हालांकि ये पूरे इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, हो सकता है केवल टेस्टिंग के लिए ऐसा किया गया हो, लेकिन दोस्तों अभी ये है, पिछले 5-6 महीने से ये प्लान एक्टिव है और अगर आप अभी रिचार्ज करते हैं इन सब सर्कल्स में तो ये काम करेगा। दोस्तों BSNL लॉन्च होते ही 4G जब पूरे इंडिया भर में लॉन्च होगा दोस्तों, तो हो सकता है प्लान रिवाइज कर ले, तो उसमें मैं भी आप सभी को बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए सबसे सस्ता 4G मैं इसी को प्राइस के तौर पर कहता हूं दोस्तों, क्योंकि BSNL ने ये प्रूव किया है इस प्लान के साथ। ये न्यूज मैंने आप सभी को पहले भी दी थी दिसंबर के महीने में, BSNL के बारे में बताया था, बहुत सारे लोग शॉक थे ये न्यूज सुन के और दोस्तों आप सब ने इस पे भरोसा किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हम पर भरोसा नहीं कर पाए ये न्यूज देखकर, तो अब मैं आप लोगों से क्या कहूं, आपका मन है, आप चाहे भरोसा कीजिए चाहे ना। बाकी हम जो सोर्स लेते हैं न्यूज की वो सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट और इनफैक्ट खुद चेक करके, कभी कभार ऐसा होता है कि प्लान्स लॉन्च होते हैं पर वो रियल में काम नहीं करता है, तो हम इसको खुद भी चेक करते हैं, आसपास दोस्तों से पूछते हैं और तब आप सभी के सामने पेश करते हैं। इसीलिए दोस्तों आप सब भरोसा करते हैं और शायद टेलीकॉम में अपना चैनल इंडिया में कुछ टॉप चैनल्स में से एक है, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह प्यार बनाए रहिए, साथ बनाए रहिए। अभी के लिए इतना ही, दीजिए मुझको इजाजत, जय हिंद, जय भारत।